ज्ञान श्री फिजिक्स में आपका स्वागत है मैं शुरू करने जा रहा हूँ एक नया टॉपिक ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चूंकि ये पहला लेक्चर है तो हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन और उसके बाद मैं डिराइव करूंगा परफेक्ट गैस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कोई भी जब सब्जेक्ट शुरू होता है तो उसका कुछ बेस होता है आइदर कुछ एजम्पन करते हैं या फिर कुछ इनपुट लेते हैं किसी एक्सपेरिमेंट से वैसे ही काइनेटिक थ्योरी जब डेवलप किया गया तो कुछ एजम्पन किए गए अब एजम्पन मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखता हूं बट आप लोग को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा तो पहला एजम्सन था अ गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल कॉन्स्टेंटली मूविंग अबाउट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद ऑल पॉसिबल वेलोसिटी इन रैंडम फैशन ये बताना चाहता है कि ये जो गैस है वो बहुत सारे हार्ड इलास्टिक स्फीयर से बना होता है जिसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं और ये जो मॉलिक्यूल है ये सारे डायरेक्शन में घूम रहा है रैंडम मैनर में और विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी मतलब जितना वेलोसिटी पॉसिबल है जितना डायरेक्शन पॉसिबल है वो सब कॉम्बिनेशन है सारे वेलोसिटी से घूम रहा है सारे पॉसिबल डायरेक्शन में घूम रहा है तो ये पहला एजम्सन था दूसरा एजम्पन है ड्यूरिंग द मोशन मॉलिक्यूल कोलाइड विथ ईच अदर एंड ऑल्सो विद द वॉल ऑफ द कंटेनर द कोलिजन बिंग परफेक्टली इलास्टिक मतलब जब ये मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो ये आपस में कोलाइड करते हैं आपस में लड़ते हैं और ऑल्सो ये जो कोलाइड करता है विद द वॉल ऑफ द कंटेनर कंटेनर के वॉल से भी कोलाइड करता है और ये कोलिजन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि परफेक्टली इलास्टिक होता क्या है एक्चुअली परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा कोलिजन जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होती है मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी ई e है और वो मूव कर रहा है मूव करने के के बाद वो कंटेनर के से धक्का खाता है उसके बाद जो उसकी एनर्जी होनी चाहिए वो भी ई e होनी चाहिए अगर एनर्जी ई e होगी मतलब उसने कुछ एनर्जी लॉस नहीं किया तो ऐसा कोलिजन जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन ठीक है तो ये हो गया कोलिजन थर्ड जो उनका एजम्सन है कि मॉलिक्यूल एग्जर्ट नो फोर्स ऑन वन एंड अदर एक्सेप्टेट यूनिफॉर्म फिलोसिटी इसका मतलब क्या हुआ कि जो दो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ एट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं है वो कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं करते हैं अब वो आपस में अगर फोर्स एग्जर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा पाथ चेंज नहीं होगा क्योंकि किसी भी चीज का पाथ चेंज करने के लिए हम लोग को उसमें फोर्स लगाना पड़ता है अब मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाते हैं तो उनका पाथ चेंज ही नहीं होगा तो वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे उसी में मूव करेंगे विद सेम वेलोसिटी तो दो कोलिजन के बीच में एक मॉलिक्यूल एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है और स्ट्रेट लाइन में ओके चौथा जो एजम्पन है द कोलिजन आर इंस्टेंटेनियस मतलब दो कोलिजन के बीच में मॉलिक्यूल जितना टाइम स्पेंड कर रहा है मान लीजिए पहला कोलिजन हुआ उसके बाद थोड़ी देर बाद दूसरा कोलिजन हुआ तो ये जो दो कोलिजन के बीच में जितना टाइम लगा वो बहुत ज्यादा है कोलिजन टाइम से मतलब जस्ट कोलाइड करके निकल गया उस कोलिजन में जितना टाइम वो स्पेंड किया और बिटवीन टू कोलिजन में वो जितना टाइम टाइम स्पेंड किया कोलिजन वाला काफी ही कम है और ये जो लास्ट है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई मॉलिक्यूल इज ने कंपेयर टू दैट ऑफ कंटेनर अब हम लोग क्या बोलते हैं कि एक कंटेनर में गैस है तो वो जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही गैस का वॉल्यूम होता है बट ये जो गैस है ये तो बहुत सारे मॉलिक्यूल से बना तो अगर आप मॉलिक्यूल को पकड़ के एक जगह कर देते हो तो वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर से ठीक है तो ये हो गया काइनेटिक थ्योरी का एडजम्सन अब हम लोग इसको यूटिलाइज करके हम लोग पहले परफेक्ट गैस इक्वेशन निकालेंगे उसके बाद कुछ एक्सप्रेशन और फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग देखते हैं परफेक्ट गैस इक्वेशन कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग एक एक्सिस ले लेते हैं और एक सरफेस लेते हैं बी ई -E, जो परपेंडिकुलर है एक्सिस से और यहाँ पे हमारा गैस है एक कंटेनर है उसमें ये गैस है अब इसी डायग्राम को अच्छे से समझने के लिए हम लोग दूसरे तरीके से ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा एक्सिस है और ये एक सरफेस है बी ए ई और यहाँ पे हमारा ये सब गैस मॉलिक्यूल्स है ठीक so, है सो ये जो डॉटेड है ये हमारा गैस मॉलिक्यूल है और ये ट्रेवल कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में ठीक है अब किसी एक को हम लोग फोकस करते हैं मान लीजिए इसको और एज्यूम करते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है वो c है अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी c है और वेलोसिटी हमको पता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम लोग तीनों एक्सिस के अगेंस्ट में रिजोल्व कर सकते हैं तो मानते हैं कि यू जो है वो एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वी जो है वो वाई कॉम्पोनेट ऑफ वेलोसिटी एंड डब्ल्यू जो है ऑफ़ वेलोसिटी है, फॉर दिस मॉलिक्यूल, फ्रॉम द वेक्टर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इसका मतलब ये जो है, सामने की तरफ भी जा सकता है और पीछे की तरफ जा सकता है ठीक है अब ये वेक्टर क्वांटिटी है तो जो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे, velocity, जो में जाएगा, उसको हम लो बोलेंगे और इस इक्वेशन के अनुसार अगर U, v, w माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी जाता है तो c जाएगा फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी तो ये हो गया रेंज ठीक है अब हम लोग को क्या करना है हम लोग को निकालना है चेंज इन मोमेंटम ये जो मॉलिक्यूल है अगर ये मूव करता है तो ये आगे जाके ये जो सरफेस है बी ए ई है उसको धक्का मारेगा अब हमने पहले ही एज्यूम कर लिया है कि जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक होगा मतलब ये मॉलिक्यूल कोई एनर्जी लॉस ही नहीं करेगा अगर ये मॉलिक्यूल कोई एनर्जी लॉस नहीं करता है मतलब इसकी वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगी वेलोसिटी में तो चेंजेस नहीं आएगा बट एक चीज होगा कि इसका जो यू कॉम्पोनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा मतलब क्या होगा ये जैसे ही इस वॉल को कोलाइड करेगा ये रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में वापस आ जाएगा मतलब यू जो होगा सफर अ चेंज इन डायरेक्शन वाइल वी एंड रिमेन अनचेंज ठीक है यू माइनस यू हो जाएगा पर वी एंड अनचेंज रहेगा क्योंकि अगर ये चेंज हो जाएगा तो उसकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी अब हमको क्या करना है कि चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो चेंज इन मोमेंटम पर रिफ्लेक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल ये एक बार रिफ्लेक्ट किया तो वैसे सिनारियों में चेंज इन मोमेंटम क्या होता है मोमेंटम क्या होता है मास, तो मास हो हो इनटू मतलब इनिशियल माइनस फाइनल तो इनिशियल एमयू माइनस फाइनल क्या है एम इंटू माइनस यू इसका मतलब आ गया टू एमयू तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम पर रिफ्लेक्शन ऑन ए मॉलिक्यूल

बताइए कि इन टाइम डी टी कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसको हिट करेंगे तो इसको हम लोग कैसे आंसर करेंगे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है यू और टाइम है डी टी तो एक मॉलिक्यूल कितना मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है यू डी टी इसका मतलब कोई भी मॉलिक्यूल इससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकता जिसकी वेलोसिटी यू हो कोई भी मॉलिक्यूल जो आउटसाइड दिस सरफेस है वो इसको हिट ही नहीं कर सकता क्योंकि वो डी टी टाइम में यहां पहुंच ही नहीं पाएगा तो यहाँ पे कौन कौन से मॉलिक्यूल पहुंचेंगे यहाँ पे वही मॉलिक्यूल्स पहुंचेंगे जो इस सिलेंडर के अंदर में है कोई भी मॉलिक्यूल जो सिलेंडर से बाहर है वो कभी इस सरफेस पे नहीं पहुंच सकता इन टाइम डी टी इसका मतलब जितने मॉलिक्यूल इस सिलेंडर के अंदर में है जिसका लेंथ यू डी टी है और एरिया वन है वही इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हिट करेंगे अब इस सिलेंडर में कितने मॉलिक्यूल है हमको डिस्टेंस पता है हमको एरिया पता है और हमको मॉलिक्यूल डेंसिटी पता है तो वो हो गया एनयू यू डी टी हमने निकाला था कि एक मॉलिक्यूल के वजह से चेंज इन मोमेंटम होता है टू एमयू तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के वजह से चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट एरिया बिकॉज हम लोग यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं सफर्ड बाई एब मॉलिक्यूल्स टू एमयू इन टू यू यू डी टी अब देखिए ये है ओनली ड्यू टू मॉलिक्यूल मूविंग वेलोसिटी u हम लोग क्या करेंगे अब सारे मॉलिक्यूल्स का निकालेंगे For all molecules moving in positive x direction. तो हम लोग क्या करेंगे Simply, velocity पे sum कर टू एम dt ओवर जीरो मोमेंटम को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है फोर्स इसका मतलब फोर्स इंटू डी टी इज इक्वल टू मोमेंटम राइट right? तो ये हो गया डेल्टा एफ इंटू डी टी इजिक्वल टू टू एम यू डी टी ओके अब एक चीज नोट कीजिए ये जो चेंज इन मोमेंटम था वो पर यूनिट एरिया था मतलब ये जो फोर्स होगा वो भी पार यूनिट एरिया होगा फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है प्रेशर तो ये हो गया प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस

इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं सम ओवर एनआई स्क्टू अगर एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो हम लोग तो सिर्फ पॉजिटिव एक्स वाले मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि जो नेगेटिव एक्स में जाएगा वो तो हमारे सर्फस को हीट ही नहीं करेगा तो समेशन ओवर एन आई हो जाएगा एन ओपन टू ठीक है अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग इस रिलेशन को यूटिलाइज करेंगे हम लोग को पता है पी एक्स इक्व टू टू एम स्क्वायर सो ये देखिए यहां से ये जो फैक्टर है वही ये वाला फैक्टर है ओके okay? so, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो पी एक्स हो गया एम इंटू एन यू स्क्वायर बार एग्जैक्टली सेम प्रोसीडियर फॉलो करके हम लोग पी वाई निकाल सकते हैं तो पी वाई हो जाएगा एम इंटू एन वी स्क्वायर बार सिमिलरली पीजेड निकाल सकते हैं एम इंटू एन डब्ल्यू स्क्वायर बार अब ये देखिए अगर एक गैस कंटेनर में बंद है तो वो सारे सरफेस पे सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट करता है मतलब क्या पी एक्स इक्व टू पी वाईस टू पी जेड और उसको हम लोग एक कॉमन नाम दे सकते हैं पी सो द प्रेशर ऑफ गैस जो होगा वो होगा एम एन यू स्क्वायर बार या उसको हम ये भी लिख सकते हैं एम एन वी स्क्वायर बार और ये भी लिख सकते हैं एम एन इंटू डब्ल्यू स्क्वायर बार हम लोग को पता है सी स्क्वायर बार इज इक्वल टू यू स्क्वायर बार प्लस वी स्क्वायर बार प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बार तो हम लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को इस रिलेशन से पता चला है कि यू स्क्वायर बार इज इक्वल टू वी स्क्वायर बार इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर बार तो अगर हम लोग इसको यूटिलाइज करेंगे तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन थ्री सी स्क्वायर बार इज इक्व टू यू स्क्वायर बार इक्वल टू वी स्क्वायर बार इक्वस टू डब्ल्यू स्क्वायर बार सिंपली यू स्क्वायर बार के जगह पे वी स्क्वायर बार सब्सिट्यूट कीजिए डब्ल्यू स्क्वायर बार के जगह भी वी स्क्वायर बार सब्सिट्यूट कीजिए बिकॉज हमको ये पता है

अब हम लोग क्या कर सकते हैं एक रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं सी जो कि होगा सी इक्वल टू रूट ओवर सी स्क्वायर बार तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर आया पी इज इक्व टू वन अपॉइंट थ्री रो सी स्क्वायर रो क्या हो गया डेंसिटी ऑफ द गैस क्योंकि एम है वो मास ऑफ ए मॉलिक्यूल है एंड एन जो है वो मॉलिकुलर डेंसिटी है सो so, रो हो जाएगा डेंसिटी ऑफ द गैस और ये है परफेक्ट गैस इक्वेशन p इज इक्व टू वन अपॉन थ्री रो सी स्क्वायर इसको यूज करके हम लोग कोई भी गैस लॉ को भी निकाल सकते हैं तो हम लोग कुछ एक्सप्रेशन देखते हैं आर एम वेलोसिटी को पहले देखते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होती है गैस की एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है तो अगर हमें प्रेशर पता है तो हम लोग c को कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से हम लोग c को क्या लिख सकते हैं रूट ओवर थ्री पी अपन रो अब रो क्या है रो तो डेंसिटी ऑफ गैस है तो उसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एम मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द गैस राइट तो यहाँ से जस्ट सब्सटूट कर दीजिए इसमें और एक और एक्सप्रेशन हम लोग यूज करेंगे फॉर वन मोल ऑफ आइडियल गैस हमको पता है पी वी टू आर टी तो ये दोनों एक्सप्रेशन को उसमें सब्सटूट कर दीजिए तो सी इक्व टू आ जाएगा थ्री आर टी अपन एम अगर हमको टेम्परेचर ऑफ गैस पता है मॉलिकुलर वेट ऑफ द गैस पता है तो हम लोग उस गैस की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल सकते हैं और जो रूट मीन वेलोसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है रूट ओवर टी से मतलब सी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू दूसरा एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पी इक्वल टू वन थर्ड रो सी स्क्वायर इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखते हैं पी इक्व टू टू अपॉन थ्री हाफ रो सी स्क्वायर किसी भी गैस का या किसी भी मॉलिक्यूल का मैटर का पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम भी स्क्वायर और ये एक्सप्रेशन को अगर आप लोग देखिए तो ये क्या है रो क्या है मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो इसको हम लोग ई एम से डिनोट करेंगे हाफ रो सी स्क्वायर टू काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब प्रेशर जो हो गया वो हो गया टू थर्ड ऑफ ई एम और ये देखिए ये एक्सप्रेशन कितने इजी तरीके से एक सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी को उसके प्रेशर से रिलेट करता है तो अगर हमें प्रेशर पता है तो हमें काइनेटिक एनर्जी पता हो जाएगी अगर हमें काइनेटिक एनर्जी पता है तो प्रेशर पता हो जाएगा तो इस इक्वेशन को हम लोग कभी कभी फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी भी बोलते हैं और लास्ट जो है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर अभी हम लोग ने इस एक्सप्रेशन को देखा c इज इक्व टू रूट ओवर थ्री आर टी अपन मतलब जो c होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर से और हम लोग को क्या पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के स्क्वायर से मतलब अगर आप ये दोनों एक्सप्रेशन को कंबाइन करते हैं तो ये हो जाएगा ई एम इज प्रोपोर्शनल टू टी ठीक है अब इस एक्सप्रेशन को थोड़े अलग वे में लिखिए हाफ एम सी स्क्वायर इक्वल टू थ्री अपन टू आर टी ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे दोनों साइड को एवेगेड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे M क्या है वेट ऑफ़ द गैस इसको जैसे ही हम लोग एवेग्रो नंबर से डिवाइड करेंगे वो हमें दे देगा मास ऑफ़ अ मॉलिक्यूल तो ये हो जाएगा हाफ स्मॉल एमसी स्क्वायर और आर को अगर हम लोग एवेग्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो हो जाएगा के ओके तो ये हो गया हाफ एम सी स्क्वायर इक्वल टू थ्री के टी ये जो है वो है बोल्टसमैन कॉन्स्टेंट मतलब ये क्या है ये है मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल राइट बिकॉज यहां पे स्मॉल एम है तो ये हो गया मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल और ये जो इक्वल है थ्री ओपॉइंट टू के टी तो यहां पे देखिए टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल तो अगर आपका एक सिस्टम का आपका एक गैसियस सिस्टम है अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी पता है तो आपको टेम्परेचर निकाल सकते हैं ये फॉर्मूला यूज करके और अगर आपको टेम्परेचर पता है तो आप इजिली मीन काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं मीन क्यों बोल रहा बोला हूं? क्योंकि हम लोग एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को फोकस नहीं कर सकते यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो मीन काइनेटिक एनर्जी है तो मीन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू थ्री अपॉइंट टू के टी तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है काइनेटिक थ्योरी का मिलते हैं अगले वीडियो में वहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सवेल फिलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में